नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 8। तो इसका जो रूल है वो है कि कोई भी संख्या 8 से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी यदि इकाई, दहाई तथा सैकड़े के स्थान पर इकाई, दहाई तथा सैकड़े के स्थान पर या तो शून्य हो, या इनसे बनी संख्या 8 से विभाजित, या इनसे बनी संख्या 8 से विभाजित, एनी नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8 इफ एट द प्लेस ऑफ 1, 10 एंड 100 देयर आर 0 एग्जिस्ट और द नंबर ऑन द प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू टेक 4300। उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे 4300, एक और ले लेते हैं 43000, 43000। यहां पर अगर हम देखेंगे तो इकाई, दहाई और सैकड़े तीनों के स्थान पर क्या है, 0। एट द प्लेस ऑफ 1, 10 एंड 100 देयर आर 0। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो ये संख्या कैसी होगी, 8 से विभाजित होगी। इसी तरह से यदि हम बात करें 43,888, यहाँ पर भी जो 888 है वो 8 से विभक्त है, तो ये पूरी संख्या जो है वो 8 से विभक्त होगी। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 9। तो 9 से विभाज्यता का भी एक रूल है, वो क्या है चलिए जानते हैं। 9 से विभाज्यता का जो रूल है वो है कि जो भी संख्या है उसके अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभक्त हो। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें 5467, 5467, तो यहां पर अगर हम देखें 5 + 4 = 9, 9 × 6 = 15, 15 + 7 = 22, 22 + 2 = 24, 24 + 3 = 27, और जो 27 है वो आपका 9 से विभक्त हो रहा है, तो ये संख्या भी क्या है आपकी 9 से विभक्त होगी। ठीक, दस से विभाजन का नियम मैं नहीं बता रही हूँ, हम सभी को पता है कि जो भी संख्याएं हैं जिनके अंत में शून्य आता है वे सभी संख्याएं 10 से विभक्त होती हैं। तो हम सीधे पहुंच रहे हैं 11 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता। डिविजिबिलिटी बाय 11। तो यहां पर क्या है कि यदि कोई भी संख्या है तो उसमें जो सम और विषम स्थान पर जो अंक होते हैं, यदि संख्या के सम तथा
विषम स्थानों के अंकों का अंकों के विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर या तो शून्य हो या 11 से विभक्त हो। जैसे कि हम सीधे एग्जाम्पल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें 5467, सम अंकों पर है 5 + 6, यानी इवन नंबर का आप सम निकालेंगे तो आएगा 5 + 6 = 11। विषम स्थान पर है 4 और 7, यानी कि 11। और इन दोनों का अगर हम अंतर देखेंगे 11 - 11 = 0, यानी कि ये संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसी तरह से ऐसे नंबर्स जिनका अंतर या तो शून्य हो या 11 से विभक्त हो, जैसे कि अगर हम बात करें 5, 4, 6, 7 और यहां पे ले लेते हैं 9, तो देखिए 6, 5, 11, 11 और 9, 20। और इसी तरह से यहां कर लेते हैं 5 + 6 + 9 और ये आपका आ गया 4 + 7 + 2, तो ये आपका हुआ 10 और 9, 11 और 9 हो गया आपका 20। इसी तरह से 7, 4, 11 और 2 हुआ आपका 23। तो 20 - 23 अगर आप 13 निकालेंगे तो आंसर आएगा 7। 7 ना तो शून्य है और ना ही आपका 11 से विभक्त हो रहा है, यानी कि ये संख्या जो है वो आपकी 11 से विभक्त नहीं होगी, क्योंकि दो ही कंडीशन है कि या तो शून्य आना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने नियम देखे विभाज्यता के, क्या नियम होते हैं, जितनी भी संख्याएं थी, मेरा अनुमान है कि सारी की संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं, हमने सारी की सारी संख्याएं यहाँ पे कवर कर ली है। तो अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहला प्रश्न है कि यदि 7 अंकीय एक संख्या है, ठीक, यदि यह संख्या 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो, तो हमें स्टार का मान बताना है। तो स्टार का मान बताइए। बताइए या ज्ञात कीजिए। इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्टार। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं 7, 8, 3, 9, 4, 5। ठीक है, तो अब 11 से विभाजित है, तो 11 से विभाजन का नियम क्या है कि जो सम संख्याएं, सम स्थान पर संख्याएं होंगी उनका योग 7। यदि सम संख्याएं देखेंगे, हम सम स्थानों को देखेंगे, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थान, विषम स्थानों पर या विषम स्थानों के संख्या अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं
पहले विषम स्थानों के अंकों का योग निकाल देते हैं। सात प्लस स्टार प्लस नौ प्लस पांच, ठीक है। सम पर है, सम स्थान पर आठ प्लस तीन प्लस चार, ठीक। यानी कि आठ तीन ग्यारह, ग्यारह और चार पंद्रह। नौ और सात सोलह, सोलह और पांच इक्कीस, यानी इक्कीस प्लस स्टार। ठीक, इक्कीस प्लस स्टार। तो अब ये देखिए, ये है विषम स्थानों के अंकों का योग और ये है सम स्थानों का योग। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि या तो इन दोनों का जो अंतर होता वो जीरो होता ग्यारह के लिए, या फिर ग्यारह का कोई गुणक होता जो ग्यारह से विभाजित हो जाता। तो यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि या तो जीरो आए या फिर हमारा क्या है यहाँ पर विभक्त हो जाए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर पांच जोड़ देते हैं स्टार की जगह, तो ये हो जाता है इक्कीस प्लस पांच यानी कि छब्बीस, और छब्बीस में से अगर हम पंद्रह माइनस करेंगे, छब्बीस माइनस पंद्रह तो ये आ जाएगा ग्यारह, यानी ग्यारह से ये विभक्त हो रहा है। तो यहां पर जो x की जगह आएगा वो आएगा आपका पांच, तो गई पांच। यदि हम दूसरे प्रश्न की बात करें, तो कोई भी संख्या है मान लीजिए, यदि कोई चार अंकीय संख्या है, चार अंकीय संख्या 4BA5 है और ये 55 से विभाजित है, ठीक, 55 से विभाजित है, तो b माइनस ए का मान बताइए। इफ अ फोर डिजिट नंबर 4BA5 इज डिविजिबल बाय 55, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस ए। तो देखिए, जैसे कि 55 को अगर हम तोड़ेंगे, तो जो 55 से विभाजित है संख्या वो 11 से भी विभाजित होगी और 5 से विभाजित होगी। तो जो हमने नियम पढ़े थे उसमें 5 से विभाजित होने के लिए इकाई के अंक पर यानी यूनिट प्लेस पर या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो इस नंबर में हम सबको साफ साफ दिख रहा है कि इकाई के अंक पर है 5, यानी संख्या 5 से तो विभाजित है ही। अब हमको निकालना है, 11 से विभाजित भी है, दे रखा है। तो अगर ये 11 से विभाजित होगी तो 4 प्लस ए और बी प्लस 5, बी प्लस 5, इन दोनों का जो अंतर होगा वो 0 होगा या फिर 11 से विभक्त होगा। तो अगर 0 होगा 4 प्लस ए माइनस बी प्लस 5, 0 होगा तभी 11 से विभक्त होगी, ठीक। तो यानी कि अगर हम देखेंगे तो 4 प्लस ए जो होगा वो b प्लस 5 के बराबर होगा, ठीक। यहां से हमको वैल्यू क्या निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है b माइनस ए की। तो 4 प्लस ए इज इक्वल टू b प्लस 5, 4 प्लस ए को उधर ले जाएंगे और 5 को इधर लाएंगे, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू b माइनस ए। तो यहां पर हम देखेंगे कि b माइनस ए कितना आ गया आपका, माइनस का 1, ठीक।
So B minus A is equal to minus 1. This is the right answer of this question. Ready. यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसा कि आप सभी को देख ही रहा है कि यहाँ पर एक संख्या दे रखी है, हमें सात अंकों की संख्या है। तो ये जो संख्या आप देख रहे हैं, तो प्रश्न है कि सात के स्थान पर यहाँ ऐसा क्या रखें, ऐसा क्या न्यूनतम रखें कि यह संख्या आठ से विभाजित हो जाए। ये ऑप्शंस हैं। जैसे कि हमने अभी रूल्स में पढ़ा था कि आठ से विभाजित के जो नियम थे वो दो नियम थे कि या तो इकाई, तहाई और सैकड़ा, इन तीनों की जगह पर आपका शून्य हो, या फिर कोई ऐसी संख्या हो जो आठ से विभाजित हो जाए। तो शून्य तो है नहीं, यानी जो हमारा पहला नियम था वो तो हो गया यहाँ पर फेल। दूसरे नियम की यदि हम बात करें कि यहाँ पर हमको इससे तो कोई मतलब है नहीं, हमको मतलब है केवल इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर जो संख्याएं हैं उनसे। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं, यदि स्टार हम बात करें 612, अब यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस हैं, 612, 622, 632, 644, यानी स्टार की जगह पर आप एक रखेंगे, दो रखेंगे, तीन रखेंगे या चार रखेंगे। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। स्टार की जगह पर एक रखिए, 612 आठ से विभाजित है क्या? करेंगे तो नहीं है, ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन 622/8, 8×56 विभाजित नहीं है, यानी 622 भी करेक्ट आंसर नहीं है। 632 को 8 से विभाजित करें, 8×56 काटेंगे, बचा 7, 72, 8×72, यानी कि ये ऑप्शन ठीक है। तो इस ऑप्शन में अगर हम बात करें तो स्टार की जगह पर क्या होगा? 3। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 4। यदि 6 अंकों की एक संख्या दे रखी है 43x 82y, 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो 2x-y का मान ज्ञात कीजिए। इफ आर 6 डिजिट नंबर दिस इज एंड इट इज डिविजिबल बाय 72, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x-y। तो देखिए, जैसे कि 72 से विभाज्य है तो हम सभी को पता ही है कि 72 को अगर हम तोड़ेंगे तो 8×72, यानी यह संख्या 8 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। संख्या लिख लेते हैं, 43x 82y। अब पहली बार हम 8 से चेक करते हैं, तो 8 से चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं? केवल लास्ट के तीन अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि लास्ट के जो तीन अंक हैं ये या तो 0 होने चाहिए, 0 तो है नहीं, यानी कि जो पहला नियम है वो यहाँ पर हो गया फेल। दूसरे नियम की यदि हम बात करें तो ये आपका 8 से विभाजित होना चाहिए। चलिए विभाजित करते हैं वाई। अब वाई की जगह पर ऐसा क्या रखें कि ये संख्या 8 से विभाजित हो जाए? 8×8 2 में जाएगा नहीं। अगर हम वाई की जगह हम 4 रखते हैं, यानी कि y को अगर हम 4 रखते हैं तो 8×8 0 और 8×3 24, यानी कि यह संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त हो रही है। यानी कि एक चीज और कि y का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया आपका? 4। अब हम बात करेंगे 9 की, तो 9 से विभाजिता का जो नियम है वो ये है कि इसके सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त होना चाहिए। चलिए करते हैं, 4+3+x+8+2+4, यानी कि 4×3 7, 7×4 11, 11×2 13, 13 और 8 आपका आया 21।
प्लस एक्स। अब 21 में ऐसा क्या जोड़े कि जो संख्या है वो हमारी 9 से विभक्त हो जाए। यदि हम बात करें अगर 6 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आपका 27, और 9 दिया 27, यानी कि न्यूनतम यदि हम 6 जोड़ते हैं तो आंसर आता है 27, और 27 9 से विभक्त है, यानी यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वो होगा आपका 6। पूछे क्या है 2x माइनस वाई, वैल्यू रख दीजिए x का और y का, तो हम लोग आंसर पा जाएंगे 2 × 6 − 4, 2 × 12 − 4, आंसर आया 8। 8 है क्या यहाँ? ए ऑप्शन है 8। सो 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमने कोशिश की आज की जितने भी विभाज्यता के नियम थे वो सारे के सारे हम लोग कवर कर पाए, और उसके बाद कुछ प्रश्नों की सहायता से हमने उनको और अच्छे से समझा। तो मेरी कोशिश रही है कि हमेशा हम इस मंच के माध्यम से आपके पास अपना बेस्ट देने का जो कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। धन्यवाद।